हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you.
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पाञ्चाकल्पदुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्य नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम हृदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला ब्रह्मिष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्त्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला ब्रह्मिष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्त्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्री लक्ष्मण गोस्वामी महाराज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग दो दिन पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब ये पृथ्वी को घर में कंस आदि बड़े बड़े दैत्य लोग उत्पीड़न करने लगे। पृथ्वी बड़ी दुखी होकर के ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र सबके सब श्री भगवान श्री कई खीर समुद्र को तट पर और सबके सब पुरुष सुप्त मंत्र से भगवान की आराधना की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम लोगों का दुख को मैंने समझ गया है। जाओ जितने देवता लोग सबके सब जदू वंश में जन्म ले लो और जितने स्त्रियां हैं सबके सब गोकुल में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। हम लोगों ने श्रवण किया था तो उसका तात्पर्य में श्रवण किया था जो जदुवंशी में जितने लोग है वो सब के सब कृष्ण परिकर है। क्योंकि भगवान जब इस जगत में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहवतर। भगवान अकेले नहीं आते, धाम और परिकरों को साथ में आते हैं। लेकिन जो स्वर्ग के देवता लोग क्या है इस जगत में कुछ पुण्य कर्म करने पर ये लोग स्वर्ग में एक एक पोस्ट को प्राप्त करते हैं।
लेकिन स्वर्ग में कब तक रहते हैं? बोले जावो तो पुण्यम न समाप्त। तो जब तक उनका पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है, वहां पर केवल एक एक पोस्ट है। पुण्य समाप्त होते ही फिर उनको इस जगत में गिरना पड़ता है। लेकिन कहते बोले जाओ सबके सब जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। कहते जदुवंशी कौन है? बोले ये कोई साधारण नहीं, भगवान स्वयं, भगवान को वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब चतुर्व्यूह है। भगवान स्वयं ये प्रकाशित हुए चतुर्व्यूह रूप में, और उनका जो पुत्र परिवार है वो भी कोई साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण परिकर। जैसे बताए उद्धव शास्त्री के, उद्धव साधारण व्यक्ति है, जहाँ पर कृष्ण स्वयं कहते उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो, मेरे पुत्र ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, हरिहर एक आत्मा शंकर भी प्रिय नहीं, मेरी पत्नी अंकसायनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे ताऊ भैया बलदेव प्रभु इतना प्रिय नहीं, कहते मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं तुम जितने प्रिय हो। पर ये साधारण देवता लोग कैसे वहां पर जदुवंश में कैसे जन्म ग्रहण कर लेंगे? इसका तात्पर्य है कहते हैं जब ये जदुवंश में जैसे सत्वी और उद्धव आदि भक्त लोग हैं, कहते देवता लोग जब आते हैं उनको शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनको शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो मूल रूप में सबके सब कृष्ण का नित्य परिकर। कभी जितने स्त्रियां उनको बोले जाओ गोपी बन करके जाओ, गोकुल में गोपी रूप में आप, बोले गोपियां कोई साधारण लड़की थोड़ी है, ये पूर्व पूर्व जन्म में श्रुति वेदों का कुछ मंत्र लोग गोपी बने हैं। दंड कराने का जो ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र से, वो सब गोपी बन करके आए। भगवान राम जब जनकपुरी में गए, सीता की जितने सहेलियां थी जनकपुरी के, वो सब भगवान की परिकर हैं, वो सब के सब गोपी बन करके आए। पर ये लोग ऐसे गोपी बन जाएंगे? बोले कहते स्वर्ग लोक में ही कहते जो बामन देव है उपेंद्र, भगवान जो बामन देव, उनकी जो पत्नियां जो लक्ष्मियां हैं, वही लक्ष्मी ही ये सबके सब उनकी अंदर में, वो जो ब्रज की कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, उनकी हृदय में भी भावना आती है कि हम भी कभी ये गोपी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। कहते वे लोग वही सबके सब गोपियों के अंदर में तदात्म होकर के ये सबके सब गोपी गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोगों ने सब कथा को हम लोगों ने श्रवण किया था। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, बोले विष्णु माया भगवती जया सन्मो हिताम जगत आदिष्ट प्रभु नाम से न कार्याथे संभविष्यति। फिर भगवान आदेश देते हैं, बोले विष्णु माया भगवती जया सन्मोहित जगत। कद भगवान की जो माया है जिसको द्वारा ये जगत को उन्होंने मोहित करके रखते हैं, ये जगत को उनको भी आदेश दिया है, हैं तुम लोग भी कार्याथे संभविष्यति, तुम लोग भी तुम लोग जाकर के जन्म ग्रहण करो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं माया तो एक ही माया, उसकी दो वृत्ति है, हैं कहते हैं कि महामाया और एक जो माया। जब कोई जीव भगवान से विमुख होता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान जब जीव सृष्टि हुए भगवान उसको पूछे बोले बताओ तुम क्या करोगे, अब ये माया की चाकचिकियों को देख करके जो आकृष्ट हो गए, बोले हम तो थोड़ा माया को देख लेते, बोले माया को देखो तो मेरे भजन नहीं करोगे, बोले थोड़ी सी रुक जाओ बाद में करूंगा, अब ये माया देखने में बड़ी सुंदर दिख रही है और बड़ी चकमक दिख रहे हैं, हाँ सुंदर दिख रहे हैं, पहले थोड़ी सी ये माया को हम भोग कर लेते हैं, फिर भगवान की भक्ति देख कर लेंगे। इतने में भगवान की जो बहिरंग माया क्या करती है, उनको दो पोशाक पहना देती है, एक है अवरणात्मिका और एक विक्षेपात्मिका। अवरणात्मिका मतलब क्या है, कहते मन बुद्धि अहंकार और चित्त है, और एक विक्षेपात्मिक कौन है, कहते जो जड़ शरीर है, किति अव तेज मर्द गौ, ये पंचभौतिक, ये देह देकर क्या करते हैं, उनको ऐसे फेंकते हैं जीव को बास, जीव संपूर्ण भगवान को भूल करके ये माया जगत में आ जाते हैं, आ करके संपूर्ण रूप में भगवान को जीव भूल जाते हैं। अगर किसको पूछो क्या तुम्हारे नाम है, हैं पूछो किसका नाम क्या है, बोले मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता ये है, मेरी माता ये है, मेरे भाई ये बहन, तो उदाहरण देते हैं हमारे कौन श्री जगदानंद पंडित उदाहरण देते हैं, पिशाच पाहिले जन मतिसर न है माया ग्रस्त जीव रहे स्वभाव, उदाहरण देते हैं
जैसे किसको भूत लग जाए ना, देखे होंगे भूत लग गए, तो किसको अगर भूत लग जाता है वो भूत को पूछो क्या नाम है, वो इंसान का नाम नहीं देगा, बोले मैं अमुक का बेटा था, अमुक पेड़ में नीम पेड़ में रहता था, ये बाल खोल करके जा रही थी और मैंने पकड़ लिया उसको, है उसको मैंने पकड़ लिया, पकड़ करके आ गई यहाँ पर है। इसलिए उसको जो असली व्यक्ति को पूछो ना, वो असली परिचय नहीं देता है, वो भूत का परिचय देता है, मेरा नाम ये है, वहां जब रहने वाले जितने बकवास कर रहे हैं है। उसी तरह अभी ये संसार में जीव आ जाने पर ना, जब जीव को पूछो कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, जितना अगड़ुम बगड़ुम सारा दुनिया की नाम बोलेगा, ये मेरी मैया है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भैया है। ये उदाहरण देते हैं, पिशाच पाइले जन्म अतिचर न है, जैसे किसी पिशाच पकड़ देने पर, भूत पकड़ने पर जैसे बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, हम इसी दुनिया में आकर के हमारी बुद्धि से भ्रष्ट हो गई, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति है, अगर भजन करने के लिए आए भैया बोलते तो पिता माता का सेवा छोड़कर चले जाओ, ये पिता माता से बड़े स्वभाव हो गया, ये कौन बोल रहा है, बोले भूत बोल रहा है, ये भूत है, बोले कश्यप का पुत्र पुत्राद्या मोह ये वही कारण, कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, कब से बना तुम्हारी, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म से ये शरीर छोड़कर जब दूसरे जीवन में जाएंगे फिर और एक नया पिता माता बनेगा, चौथे जीवन में जाएंगे और एक नया पिता माता, कितने हर जन्म में, अगर कुत्ते जीवन में जाएंगे कुत्ते पिता माता बन जाएंगे, सुअर का जीवन में जाएंगे सुअर पिता माता बन जाएंगे, जन्म जन्म से हम पिता माता बदला रहे हैं, अभी कैसे घूमते घामते ऐसे पिता माता के पास में आ गए, ये पिता माता बन गए, मतलब कब से बने, मतलब जब से जन्म हुआ, मतलब कब तक रहेगा, जब तक शरीर उसके बाद में गया, सर गया कि नहीं, सब गया खत्म हो गया, इसलिए कहते अभी हमको भूत पकड़ लिया है, ये पिशाच पकड़ लिया है, लेकिन लेकिन जो भूत छूट जाता है ना, जो भूत को भगा देता है गुणों फिर असली परिचय देता है, नहीं मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, उसी तरह जीव का जो ये भूत छूट जाएगा ना, केवल एक असली परिचय देंगे, जीव हरे स्वरूप हरे कृष्ण नित्य दास, हम कौन है, जगन्नाथ जी के बच्चे हैं, केवल हमारे एक ही परिचय है, हम भगवान की संतान है, है? वही हमारे तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा तुमैव, तुमैव द्रविणम तुम द्रविण तुमैव तुमैव सर्वम, तो फिर एक ही परिचय देंगे जगन्नाथ ही हमारे पिता माता भाई बंधु, वही केवल हमारी असली पिता माता है। इसलिए कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया दारिद्र्य संसार आदि, संसार में क्यों दुख कष्ट भोग कर रहे, कृष्ण बोली सही जीव, चुके हम असली पिता माता को हम भूल चुके हैं, हैं? इसलिए ये संसार में हम जितने दुख कष्ट भोग कर रहे, बस कहते बोले वही कृष्ण अमितव दास, एक बार अगर उनको पास में चले ठाकुर जी हम मैं तुम्हारा दास ही हूँ, हाँ मेरे प्रभु अपना चरण में हमें स्थान दे दो, भगवान बोलेंगे तो यही तो मैं सोच रहा था, मैं अनंत अमृत से पुत्र, हम भगवान की संतान है, अमृत का संतान है, एक तू मेरे को भूल करके कहा ये संसार में भटक रहा था, केवल इतना बोलने का जरूरत है एक्सक्यूज, ठाकुर जी माफ कर दो, बस वो तो हमारे पिता है ना, मेरे गोद में भर लेंगे बेटा, क्यों मेरे को भूल कर क्यों संसार में भटक रहे, मेरे पास में आ जाना, मेरे पास में आ जा, भजन कर, मेरा अथा संपत्ति की भोग कर, क्यों माया में भटक रहे, बस काम बन जाए, हैं? इसलिए कहते हैं ये शरीर, ये शरीर किस चीज है, टाटी पैसा पीक, इसमें और कुछ है ही नहीं, पेट को फाड़ दो ना सब भाग जाएंगे यहाँ से, कोई बैठ कर बैठ जाएंगे, हैं? लेकिन ये अनित्य शरीर में नित्यता जो बुद्धि किसको दे रहे, कौन करवा रहे, इसलिए बहिरंग माया, ये माया क्या कर रहे हैं हमें, माया मतलब क्या, जो जो चीज नहीं वो चीज वो बोलना, यही माया है, यही माया है, माया इसको कहते हैं। अभी चूंकि हम ये टाटी पेशाब खून पी की जो थली है, हैं? तो पंच रचित ये अधम शरीर है, इसको अधम शरीर बताए, अब सवेरे उठो मुंह से भी बदबू आएगा, नाक से भी बदबू आएगा, आंख से भी बदबू आएगा, है नीचे से तो बदबू निकलेगा, एक दो द्वार है वहां तो बदबू बदबू निकलेगा, है और थोड़ी सी गरीब में चले जाओ पसीना ऐसे बहेगा ना, तुम्हारे रोम रोम से सूंघोगे तो बदबू आएगा, रोम रोम से बदबू आता है, इसलिए अधम शरीर, इसलिए कहते हैं कि जो माया है विष्णु जो माया भगवती माया, ये जो अद्भुत जो माया क्या कर रही है, कभी ये गंदा शरीर अनित्य शरीर में
ये हमें मैं मेरा करा के ये संसार में हम भटका रहे। लेकिन एक माया है कहते जो जोग माया है, कहते वो क्या करती है, कहते जब कोई जीव संसार में दुख कष्ट भोग करते करते अगर समझ जाए भैया संसार अन्य तो कोई किसी का है नहीं, मिछे माया असुखा खड़ा खड़ा मिछे माया परियो लड़ा बड़ा है, कहते ये इसको जब समझ जाएगा जीव के संसार में दुख कष्ट अगर ये चीज समझ करके फिर भगवान की तरफ में जो उसका भावना होगी ना बस, फिर क्या करेगा कोई माया रिज्योग माया बनकर भगवान से क्या कला देगा हम जोड़ देगी ठाकुर जी के साथ में हमें जोड़ देगी है। इसलिए कहते भवान न वे पड़ी मोर आकुल प्राण किससे कुल भाव तार ना पाई संधान है। इस संसार में पड़ करके हम कहाँ जाएंगे कहाँ किनारा हमें कोई है कुल किनारा हमें कोई नहीं दिख रहा। इसलिए कुलो देवी जोग माया तुम्ही कृपा करी आवरण संवर पे तुम्ही कृपा करी। इसलिए कुल देवी जोग माया की जब कृपा होएगा ये आवरण को जो निकाल देगा फिर तो हम अपनी जो स्वरूप में फिर हम आ जाएंगे। इसलिए कहती है माया, इसलिए कहती है भगवान की लीला को कैसी पुष्टि करती है, कहते ये जब तक ये माया नहीं होगी ना अभी भगवान ये माया ऐसे है ना कि जगन्नाथ जी को भी मोहित करते थे भगवान को भी लीला में। इसलिए वहां पर कैसे ये जोग माया रूप में क्या करती है, कहते ये भगवान का जो भगवता को भुला देती है। अगर जगन्नाथ जी हर्ष में याद रहे ना कृष्ण को मैं भगवान मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ फिर उनको कोई लीला नहीं होगा। ये जो जो माया ये क्या करती है जोग माया पूर्ण उसको भी भगवान को भुला करके किसलिए भुलाती है उनकी लीला पुष्टि हो। अगर कृष्ण भी ये रहे अरे मैं तो स्वयं भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक थे लेकिन कृष्ण जब मिट्टी खाते हैं हाँ मैया जाकर सीधा कान पकड़ती है बोले चिमरे चोर चुट्टे घर में किसी चीज की कमी है मक्खन मिश्री की तुमने मिट्टी खाई क्यों, बोले नहीं मैया ये सब झूठ बोलते हैं मेरे नाम पर मैं मिट्टी नहीं खाया, बोले सब कैसे बोल रहे हैं, बोले सब झूठ बोल रहे हैं मैया आज क्या हुआ तेरे को पता है, बोले क्या हुआ, बोले घर से ना लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई सब चोरी चोरी करके लाते हैं, बोले भैया तेरे को पता है मैं किसी चोरी का चीज खाता है, भैया बोले अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता है, हैं बोले ये सब के सब खाए मेरे को दिए मैं खाया ही नहीं, फिर तो ये समझ गए ये कान्हा जाकर घर में शिकायत कर देगा वो खाया नहीं ना हमारे सारी माई भैया को बोल देगा तेरे जो बेटा है ना घर से लड्डू मिठाई चोरी करके लेता है फिर तो भैया हमें पिटाई करेगा है। इसलिए और मैं इनकी चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली कर कहां भगवान है, कहां भगवान दुनिया का मालिक है, लेकिन कौन कर रहा है ये जो जोग माया अगर उनको ये याद रहेगा मैं भगवान हूँ फिर तो भगवान माँ का कान नहीं पकड़ सकता है। कृष्ण मखन खाते हैं मैया बोले तेने मखन खाई, बोले मैया मरी मैं नहीं माखन खाया मैया मैंने मखन खाया ही नहीं और भयो गए को पाछे मधुबन में पटा मैया तुमने तो भोर होते ही मेरे को मधुबन भेज दिया और सखाओं को साथ में चार प्रहर गैया चराते चराते शाम का है बता मैंने मखन कब खाया। अगर कृष्ण भी ये याद रहे मैं भगवान हूँ भगवान इसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इसलिए मैया उखल में बांध दे रही मैया कृष्ण को उखल में बांध रही लेकिन बांध नहीं पा रहे कृष्ण को बांध नहीं पा रहे किसी तरह से कृष्ण को वही कमर उतना ही गर्दन भी उतना ही लेकिन रस्सी लंबी होते जा रही है लेकिन कृष्ण को ये कौन कर रही है कृष्ण कमर इतना ही है इससे बढ़े नहीं गर्दन भी उतना लेकिन रस्सी लंबी होती जा रही है लेकिन बांध नहीं पा रही इस काम को कौन कर रही कहती जोग माया करा रही है। ये सब जोग माया इस सारे काम को जोग माया कराती है। जैसे कृष्ण पहले है कहते श्री बलदेव प्रभु पहले आए देवकी गर्भ में फिर उनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन किया किसने स्थापन नहीं किया बोले जोग माया ने किया है। इसलिए कुछ जोग माया काम करती कुछ महामाया कहते महामाया क्या करती है कि जब तक ये वसुदेव देवकी को गोद में कृष्ण थे तब तक ये थे जोग माया लेकिन जब कंस उसको पकड़ लिया ना वो जोग माया ने फिर महामाया क्योंकि जोग माया को कंस दुष्ट है वो कभी उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको पकड़ते ही हो गए महामाया हो गई। फिर तो उन्होंने जो पछाड़ने के लिए गया फिर तो उन्होंने मारे एक लात किसको कंस को कंस से बिजली लगने पर गिर जाते कंस अरे ये तो मेरी कुलदेवी
इनको तो मैं पूजा करती हूँ, ये तो मेरी कुल देवी हैं। आकाशवाणी क्या बोली, तुम मुझको क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले ये तो कभी झूठ बोल नहीं सकती, तो मेरी कुल देवी है, हैं? कहते वो कौन थी, बोले महामाया थी। इसलिए कुछ काम को महामाया करती है और कुछ काम को जोग माया करती है। इसलिए भगवान ने उसको आदेश दिया, बोले देखो जाओ है, क्या करो तुम जाकर के जन्म ग्रहण करो। कैसे, बोले मेरी छोटी बहन बन करके, मेरी छोटी बहन बन करके तुम जन्म ग्रहण करना है। और जगत में तुम्हारी जो पूजा है ना, अलग अलग नाम से तुम्हारी जगत में पूजा भी हुई। इसलिए देखो ना, भारत में देखो जितने जगन्नाथ जी की पूजा होती है, उतना उससे ज्यादा माता जी की पूजा। हमारे उत्तर प्रदेश में जाओगे तो पता नहीं, जय माता जी, जय माता जी, जय कार, कहाँ पहाड़ के ऊपर में कहाँ कहाँ जन्म ली है, विंध्याचल वासिनी, अलग अलग नाम रूप में जन्म ग्रहण की है। इसलिए उनका सब नाम भी कुंभता, जननी, सुभद्रा और काली, चंडी, अलग अलग तुम्हारे नाम हुई। और भगवान ने बोल दिया था, बोले देखो जगत में बड़ी तुम्हारी पूजा हुई। सचमुच से ठाकुर जी बोले थे ना, इसलिए ठाकुर जी का जितना पूजा होती है उससे ज्यादा पूजा होती है देवी की, है देवी की पूजा। किसी ने कारण किया, बोले भगवान ने बताए थे जगत में तुम्हारी बड़ी, तुम्हारी जगत में बड़ी पूजा होगी, है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्नी तो हरि, कहते मथुरा भगवान जत्र नित्य सन्नी तो हरि, भगवान नित्य कहाँ पर रहते हैं, बोले मथुरा में भगवान नित्य रहते हैं। कहते नहीं, भगवान तो कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, वो देवत गर्भ में जन्म हुए। बोले नहीं, कहते जो भगवान का धाम ये नित्य है, जगत में भगवान का धाम नित्य। भगवान खुद कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं कभी धाम छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, कहीं नहीं जाता हूँ, भगवान नित्य। लेकिन दिखाई क्या पड़ता है ऊपर से, जैसे भगवान मथुरा में जन्म हुए। जैसे हम क्या देखते हैं, सूर्य उदय होते अस्त हो जाते हैं, क्या सूर्य उदय हो गए, मतलब पहले सूर्य तो थे नहीं, क्या सूर्य देव तो पहले थे ही नहीं, उदय हो गए, नहीं, सूर्य देव नित्य है, सूर्य नित्य है, हैं? दिखाई हमें क्या पड़ता है, जैसे सब उदय हुए और शाम को अस्त हो गए। कहते उसी तरह, कहते जो भगवान का धाम भी नित्य और भगवान भी नित्य, हाँ भगवान नित्य है। इसलिए मथुरा भगवान जत्र नित्य सन्निहित हरि, भगवान मथुरा में नित्य ही वहां पर निवास करते हैं, हैं? इसलिए जिस समय श्री कंस ने अपना बहन देवकी को उन्होंने वसुदेव को साथ में शादी करवाया, और उन्हें शादी करके उन्हें बहुत कुछ जौतुक रूप में, उपहार रूप में उन्हें प्रदान किया है। क्योंकि ये कंस अपना बहन जो देवकी को बहुत प्यार करता था, हैं? इसलिए वसुदेव उसका मित्र था, वो भी बड़े सत्यवादी था, इसलिए उन्होंने उनको साथ में शादी करके क्या क्या दिया है। कहते 400 हाथी दिया, कितना हाथी दिया, 400 हाथी दिया, और 10,000 उन्होंने अश्व दिया, और 18,000 उन्होंने रथ दिया, और विभिन्न अलंकार से विमंडित करते हुए कहते 200 उन्होंने एकदम नई नई दासियों को भी उन्होंने प्रदान किया है। और शादी हुई ना, गाजे बाजे को साथ में सबके सब चल रहे थे, स्वयं कंस अपना बहन को बड़ा प्रेम करता था, स्वयं सारथी बन गया, बन करके स्वयं रथ को हांकते हुए ले जा रहा था। लेकिन रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले पृथ्वी प्रग्रहिणम कंस माभिष्यमा शरीरवाग अस्वास्थामष्टम गर्भे हंता जाम्बहस्य अबुध। आकाशवाणी हुई, बोले हे अबुध, हे मूर्ख, बोले जिस देव की वसुदेव को तुम इतने आनंद पूर्वक का शादी करा के जौतुक दे करके स्वयं सारथी बनकर ले जा रहे हो, क्या होगा, बोले इसकी अष्टम गर्भ का संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हुई। लेकिन जब वहां पर बोले ना, वहां पर तो कहते अशरीर बाघ है, कहते कोई शरीर नहीं था, जैसे आकाशवाणी आकाशवाणी हुई। जो आकाशवाणी हुई इतने में यहाँ पर कह रहे हैं, ये आकाशवाणी ऐसे क्यों बताए, कारण क्या, बोले कारण है कि जो कंस है
एक दिन भगवान इसको मारने वाले, ठाकुर जी इसको मारने वाले। लेकिन ठाकुर जब इसको मारेंगे, बड़ा दुष्ट है, उन्होंने वसुदेव अपना पिताजी को ही बाद में जेल में बंद कर देगा, बंद करके उग्रसेन को बंद कर देगा जेल में, और बड़े अत्याचार करेगा, और इतना अत्याचार करेगा उसने, एकदम टहलका मचा देगा दुनिया में, सारे जदुवंशियों को मार मार कर भगा देगा। कुछ लोग तो देश छोड़कर भाग जाएंगे, कुछ लोग ऊपर से उनकी अनुकूलता को दिखाते हुए गुप्त रूप में आकाशवाणी हुई थी, कभी छूटा नहीं होगा, भगवान कब अवतीर्ण होकर ये दुष्टों को वध करेंगे देखेंगे हैं। इसलिए कुछ लोग उनके ऊपर ऊपर से मित्रता रूप धारण करते हुए रहेंगे। अभी प्रश्न है, ये वाणी क्यों हुई, कारण क्या, मेरे कारण है, कैसा कारण बताते हैं। जो आकाशवाणी हुई, लेकिन एक कंस क्या करता है, देवकी को प्रतिपड़ी का प्रति है, बहन ही है ना, भाई बहन का संबंध बहुत अच्छा संबंध होता है, इसलिए उनका प्रति प्रीति है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे माँ को इतना प्रीति करता है, प्रेम करता है, फिर मैं उसको कैसे बात, कैसे मैं उसको मार कैसे सकता हूँ, मेरी मैया को, मेरी मैया है, अगर किसकी मैया को आप बहुत प्यार करते हो, प्रीति करते हो, वो व्यक्ति तुमको मार पाएगा, वो मार नहीं पाएगा। इसलिए आकाशवाणी आकाशवाणी से हुई, जिसको तुम बहन कर रहे हो उसका हाथ में तो मृत्यु होगी, जब मृत्यु होगी बोलेगा फिर वो क्या करेगा, देवकी के ऊपर अत्याचार करेगा, जब देवकी के ऊपर वो अत्याचार करेगा, भगवान क्या कहते हैं, जदा देवेशु वेदेशु गोसु मई है तथा आसु विनशति, भगवान कहते हैं जब देवताओं के ऊपर में, जब ये पृथ्वी के ऊपर में, जब गो और संतों के ऊपर में कोई अत्याचार हो, तथा आसु विनशति, भगवान कहते समूल में दुनिया को मैं ध्वंस कर देता हूँ। और ये जब मेरे माँ के ऊपर में ये अत्याचार करेगा, जेल में बंद कर देगा, इतने कष्ट देगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर ये कंस में प्रकट होकर कंस में फिर मारूंगा है। इसलिए बिना शरीर से आकाशवाणी हुई, जिसको तुम इतने आनंद पूर्वक है तुम ले जा रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ में जो बच्चा होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और जब ये जो आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी को सुन करके जो दुष्ट है ना, वो क्या नहीं कर सकता है, वो साधु को भी क्या नहीं कर सकता है, असंभव को भी संभव और दुष्ट संभव को असंभव कर सकता है, कहा तुम्हारी बहन ही होगी। और इतने प्यारी बहन, शादी का समय में इतने गाजे बाजे को साथ में चल रहा है, जब उसने ये आकाशवाणी सुनी ना, बयान से तलवार निकाली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मुरुर माइले जीव सरी देवता के संगे जीवा करी, संग संग तलवार संग संग अस्त्र बाहर कर ली, अस्त्र निकाल करके उसकी चोटी पकड़ लिया और खड़ग लेकर के मारने के लिए जा रहा था। जब मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव देखा देखो कितना दुष्ट है, अपना बहन को मारने के लिए जा रहा है। इतने में वसुदेव ने उतर करके कंस को तरह तरह से उन्हें समझाने लग गए हैं, तरह तरह से समझाने लग गए। जब समझाने लगे बोले बहन, शादी का समय हाँ, तो स्वयं सारथी बनकर के ले जा रहे हो, इसलिए उसको बीच में तुम मारने के लिए तैयारी हो गए। तो उन्होंने तरह तरह साम ताम दंड भेद नीति से तरह तरह से समझाने के लिए कोशिश की, बोले देखो बोले मृत्यु जन्म बताम वीर देहना सहजायते अत्यवा अब्द सतांते वा जात सही ध्रुव मृत्यु है, मृत्यु जन्म बताम वीर देहना सहजायते, बोले जब ये जन्म होता है, कहते जन्म होने का साथ साथ ये मृत्यु भी लिखी रहती है, हमारे जन्म होने का साथ साथ उसको साथ साथ ये भी लिखी रहती है, कितने साल में तुम्हारी मृत्यु होगा, ये लिख गया, ऑलरेडी लिख गया कब हमारी मृत्यु होगी, ये ठाकुर जी को पता कब लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमें पता नहीं हमारी कब मृत्यु होगी, ये पता नहीं, लेकिन ठाकुर जी को पता कब हमारी मृत्यु कैसे होगा, ये सब कुछ लिख चुका। उदाहरण दिया जैसे कोई जोक होता है ना, जोक देखना, जब ऐसे जब चलता है, पहले वो क्या कहता है, पहले पहले पैर को इसको स्थिर करके फिर पीछे पैर को फिर उठाता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना। अब कोई भी जानवर को देखा, हम भी जब चलते हैं पहले आगे एक पैर रख करके फिर पीछे पैर को हम पैर उठाते हैं, कहते उसी तरह
ये जो जीव तभी ये शरीर को छोड़ता है जब पहले किसी शरीर कौन सा शरीर में जाएगा, जब स्थिर हो जाता है, फिर ये शरीर को छोड़ करके फिर वो किसी दूसरे शरीर में चले जाता है। इसलिए कहते अद्यवा अब्द शतांत जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, कहते ये जन्म लेने पर मरना पड़ेगा, मरने पर जन्म लेना पड़ेगा। और आज हो नहीं तो 100 साल को बाद में हो, एक दिन सबको मरना ही है, है? ये मरने को कोई टाल नहीं सकते, इतने सबको मरना है। तो तब जब तुम जन्म लेने से पहले तुम्हारी मृत्यु लिख चुकी है और एक दिन तुमको मरना है, फिर अपना बहनी को अगर मार करके मरोगे ना, कभी मरोगे तो एक दिन तो मरना है। अगर बहनी को तुम मारोगे ना, सारा दुनिया क्या बोलेगा तेरे को? बोले शादी का समय पर अपना बहन को उसने हत्या की, बहन का हत्या करके जब तक तो इसी जगत में जिंदा रहोगे तब तक तो ये जो कलंक है ये कलंक तुमको छोड़ेगा नहीं। जब देखा सब बदमाश अपना बहन को शादी का समय में मारा, ऐसे जीवन ऐसे जो जीवन है रहना नहीं रहना बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि ये कंस बोलने पर भी नहीं समझा, बोले क्यों नहीं समझा, कारण क्या? कभी ये जिनियों को साथ में रहता था इसका जो संग असत संग था। जैसे कोई साधु व्यक्ति हो ना, कोई अच्छा बुरा चीज समझा उसको समझ लेता है, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति को समझा वो समझेगा नहीं। वो कैसे व्यक्तियों को साथ में रहता, मतलब नरभखी जो सकटासुर अघासुर बकासुर जितने राक्षस है ना, सब इनका दोस्त है। ऐसे व्यक्ति को साथ में रहता था जो इंसान को भोजन खाने जाने वाले मांस मदिरा उल्टा सिल्टा गंदी चीजों को खान पान व्यक्तियों को साथ में उठता था बैठता था। इसलिए ये समझाने पर भी वो नहीं समझा। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया जब कंस ऐसे व्यक्ति, फिर ये वसुदेव उनको बारंबार समझा क्यों रहा था? जब देखता है दुष्ट व्यक्ति बात सुनेंगे नहीं, पर ये बारंबार क्यों समझा रहा था? बोले कारण है, बोले ये वसुदेव का एक नाम है आनंद दुंदुभि। बोले आनंद दुंदुभि का मतलब क्या है? बोले जब उसने जन्म ग्रहण किया है, वो जन्म ग्रहण का समय में स्वर्ग में देवता लोग नगाड़ा बजाए, बाजा बजाए, शंख बजाए, पुष्पों की बौछार किए जन्म लेते ही। इसलिए ये आनंद दुंदुभि भगवत अंश में इसका जन्म हुआ है, है? इसलिए ये एक बहुत बड़ा महापुरुष है। कारण है, भगवान जिनको अपना पिता रूप में स्वीकार करेंगे वो व्यक्ति कोई साधारण हो सकता है? भगवान सबको अपना पिता रूप में स्वीकार करेंगे? भगवान कहां जगतपति जगन्नाथ है, जगन्नाथ का जो पिता होगा वो कोई साधारण व्यक्ति जगन्नाथ का पिता हो सकता है? इसलिए देवकी वसुदेव आया देवकी नंदन आया च, इसलिए भगवान के पिता बनने वाले हैं। ठाकुर जी को पिता तो साधारण व्यक्ति बन नहीं सकते हैं, है? इसलिए भगवान जिनको गर्भ में आएंगे, और जो महापुरुष होते हैं ना उनके अंदर में अपना कुछ पर्सनालिटी होता है। कहते बड़े बड़े व्यक्तियों को जैसे नारद जैसे व्यक्ति, व्याध जब देखा इस जानवर को मारने जा रहे हैं, दूर जाते ही व्याध बड़ा क्रोधा हुआ, तो हमारे शिकार को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? संत है, महापुरुष है। इसलिए जो महापुरुष का जो वाणी में ताकत है, इसलिए वसुदेव महाराज बारंबार कोशिश कर रहे थे, हैं? हो सकता है ये टल जाएगी, हो सकता है ये बात टल जाएगी। क्यों? ये महापुरुष है, बहुत बड़े संत है। अगर ये बात अगर टल जाएगी तो जो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता, होगा ही, क्योंकि देवताओं ने बताया ना, ये वाणी तो कभी झूठा होगा ही, उस दिन होगा ही, है? इसलिए वसुदेव महाराज सोच रहे हैं। तब उन्होंने लास्ट में जब उन्होंने बहुत समझाने के बाद उसने समझा नहीं, किसी तरह से नहीं समझा, बोले नहीं उसको तो मार करके रहूंगा। तो उन्होंने लास्ट में कहा, देखो एक काम कर लो। बोले क्या है? बोले ऐसे काम कर जो दो काम हो जाए। बोले क्या काम है? बोले तुमको डर किससे? देखो किससे ना, उसको बच्चे से। बोले बच्चे से? बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ ये तो मैं जानता हूँ, तू कभी जिंदगी में झूठ कभी बोला ही? अरे बोलता भी नहीं। बोले जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। बोले नहीं बोलता हूँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने संतान होगा, एक बच्चे से तुम्हारी मृत्यु हो ना। बोले हाँ। बोले मेरे जितने सारे संतान हो गए, सारे संतानों के एक एक करके मैं तुम दे, तू सारे संतान को मार डाल, अरे दोनों रह जाएगा ना। अरे अपना बहनी को तो हत्या नहीं होगा, नहीं होगा तो कम से कम ये जो दुर्नाम है तुम्हारी
पर बदनामी से तो बच जाओगे। बोले हाँ, ये तो ठाकुर की इच्छा जैसे, इतना जो बोले ना वो मान गया, ये मान गया। तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, बोले भैया वसुदेव महाराज ने हैं, इसलिए देखो यहाँ पर एक श्लोक बताया, ये श्लोक में ना कहते वसुदेव महाराज, ये भी कभी झूठ बोलेंगे, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, उनने 6 पुत्र को तो देंगे, और सप्तम पुत्र में स्वयं बलदेव प्रभु आएंगे, सप्तम पुत्र बलदेव प्रभु स्वयं आएंगे, अनंत धाम ताऊ भैया आएंगे। लेकिन जब बलदेव प्रभु आएंगे देव की गर्भ में, फिर उन्होंने जोग माया के द्वारा देव की गर्भ से उनका आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन कर देंगे। फिर स्थापन कर देंगे तो दुनिया लोगों को ये पता चलेगा शायद इसकी गर्भ नष्ट हो गया, इसका गर्भ नष्ट हो गया है, हैं? अभी बाद में सब घटना होगी, हैं? होगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, फिर उनने अष्टम गर्भ का संतान, उनने कंस को बोले थे मैं तुमको सब बच्चा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने क्या करेंगे, कृष्ण को देंगे, कृष्ण को लेकर के आता रहा तो लेकर छुपा करके उनको गोकुल में रख जाएंगे, और गोकुल में जो बेटी हुई ना वो बेटी को उन्होंने लेकर आ जाएंगे, और सवेरे बोलते देखेगा वो बेटा नहीं बेटी, बेटा नहीं बेटी है। इसलिए फिर उन्होंने बात को रक्षा नहीं करेंगे, है रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले ना शास्ते भरम स्वयं जिससे तुम्हारी भय है, जिससे तुम्हारी भय है, कद वो जो भय बच्चे को मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। लेकिन वो संस्कृत में एक संधि विच्छेद है, यहाँ पर 2 अर्थ होता है, एक तो था जिससे तुमको भय वो बच्चा दे दूंगा, लेकिन उसमें और एक अर्थ होता है जतस्ते अभय मुदितम। देखो तुमको उन्होंने बच्चों को मैं दूंगा जिनसे अभय है वो बच्चे तो तुमको दे दूंगा, लेकिन जिससे तुम्हें भय है ना वो बच्चा तुमको नहीं दूंगा, उसको तो मैं गोकुल में लेकर छोड़ूंगा। इसका दूसरा अर्थ होता है, इसलिए उन्होंने 6 बच्चों को तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जो अष्टम बच्चा जो कृष्ण जन्म हुए उनको दिए नहीं, अष्टम बच्चे कहां पहुंचा दिया, राता रात उन्होंने गोकुल में उन्होंने पहुंचा दिया है, गोकुल में उन्होंने पहुंचा दिया है। इसलिए उनको जो संतान जन्म हुए 6 बच्चों को तो एक एक दे दिए, कहते ये 6 बच्चे कौन है, ये सप्तम बच्चे कौन है, ये कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए हैं, इसका पीछे कहते इसका पीछे क्या रहस्य है। कल हम ये बात कल सुनेंगे, तो कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, कल इस बात को कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं ये प्रकट की कथा हम सुनेंगे, ठीक है। बंसी प्रभु का सत किया था होगा उनको, उसमें कथा था होगा प्रार्थना चैनल। हरे कृष्ण आदि कर।